नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैलता ही जा रहा है। झारखंड के सीएम आवास तक पहुंचा कोरोना, सोरेन की पत्नी का ड्राइवर पॉजिटिव। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइनीज ऐप टिकटॉक को हम बैन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एलओसी पर की फायरिंग, एक भारतीय जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की बेटी बोली, ऐतिहासिक नहीं काला दिन है 5 अगस्त। नोएडा में बहुमंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत, मलबे से 5 लोगों को निकाला गया। अशोक गहलोत ने कहा कि रात दिन सोते जागते सरकार गिराने के बारे में सोचते हैं अमित शाह। सूत्रों की माने तो अयोध्या भूमि पूजन समारोह में किसी भी केंद्रीय मंत्री को न्योता नहीं। अभिनेता सुशांत सिंह की बहन स्वेता सिंह ने पीएम मोदी से इंसाफ की मांग की। बुलंदशहर में अपहृत अधिवक्ता का शव गोदाम से बरामद। अलास्का में हवा में टकराए 2 विमान, 7 लोगों की मौत। जर्मनी का हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण समझौते को निलंबित करने का फैसला। मुंबई के ग्रांट रोड के पास एक अस्पताल में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियां भेजी गई। हांगकांग ने कोरोना महामारी की वजह से 1 साल तक के लिए चुनाव टाला। डीजीसीए के मुताबिक दिल्ली में 31 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाएं बहाल नहीं होंगी। गहलोत समर्थक विधायकों का ठिकाना बदला, ट्रेन के जरिए पहुंचे जैसलमेर। सुशांत केस की जांच पर बोले उद्धव ठाकरे, मुंबई और बिहार में विवाद पैदा ना करें। सहवाग को मिली बड़ी जिम्मेदारी, खेल पुरस्कारों के लिए चयन समिति बनी। दक्षिण चीन सागर को लेकर ऑस्ट्रेलिया और चीन के राजदूत में ट्विटर पर छिड़ी जंग। 5 साल में पहली बार जुलाई में हुई कम बारिश, खरीफ फसल को लेकर चिंता बढ़ी। भव्य होगा राम मंदिर, 3 साल में हो जाएगा तैयार, आर्किटेक्ट सोमपुरा का दावा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के इलाज में जुटे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को वक्त पर मिले वेतन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब देश अनलॉक हो रहा है तो मंदिर मस्जिद क्यों नहीं खोले, वर्चुअल दर्शन वास्तविक दर्शन नहीं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सेना पर वेब सीरीज और फिल्म प्रसारण से पहले लेनी होगी एनओसी। भारत में कोरोना मरीज 16 लाख के पार, 24 घंटे में 789 लोगों की मौत।